विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर आज स्पेशल ट्रेन चलनी थी, लेकिन इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। सैलानियों को इस ट्रेन का बेहद इंतजार था और वे हिमाचल की सर्पीली रेल से हिमाचल की हसीन वादियों को निहारना चाहते थे, लेकिन आज उनकी उम्मीदों पर अचानक पानी फिर गया क्योंकि इस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ये जानकारी रेलवे स्टेशन अधीक्षक सुरेंद्र परमार ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि इस मिली जानकारी के अनुसार विशेष ट्रेन को जल्द आरंभ किया जाएगा, लेकिन आज इस स्पेशल ट्रेन को किन कारणों से रद्द किया गया है इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ट्रेन न चलने की वजह से आज कई माह से सूनी पड़ी रेलवे लाइन आज भी सूनी नजर आई और रेलवे स्टेशन में उम्मीद थी कि आज यहां पर्यटक नजर आएंगे, लेकिन आज भी स्टेशन वीरान नजर आया। रेलवे स्टेशन अधीक्षक सुरेंद्र परमार ने बताया कि आज कालका से शिमला 04515 नंबर ट्रेन, जिसका नाम कालका शिमला एक्सप्रेस स्पेशल था, वह चलनी प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आज नहीं चल पाई है। उन्हें उम्मीद है कि ये विशेष ट्रेन आज के बजाय अब कल कालका से चलेगी। उन्होंने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में 7 कोच होंगे। इसकी विशेषता ये रहेगी कि इसमें अपनी सीट को पहले ही आरक्षित करवा कर सफर किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में जहाँ 1 और जीएस कोच होंगे, वहीं चेयर कोच का भी विशेष प्रबंध रहेगा। कालका शिमला सेक्शन पर आज 04515 अब कालका शिमला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलनी थी, जो कि 12:10 पर कालका से, लेकिन आज किन्हीं कारणों से ये गाड़ी रद्द कर दी गई है। अब इसके कल चलने की उम्मीद है। ये ट्रेन कालका से शिमला के बीच में चलनी थी। कालका शिमला इसका जो ट्रेन संख्या 04515 आप कालका शिमला एक्सप्रेस, और कालका से इसका चलने का जो संभावित समय है 12:10 रखा गया। शिमला ये 17:20 पर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ये नेक्स्ट डे शिमला से 10:40 पर चला करेगी और कालका 16:10 पर पहुंचा करेगी। यात्रियों के लिए ये जो है ट्रेन, इसको फुली रिजर्व रखा गया है, इसमें रिजर्वेशन करा के वो जा सकते हैं। इसमें 7 कोच हैं, उस हिसाब से मतलब इसमें जीएस भी हैं और चेयर कार भी रहेगा, तो दोनों क्लासेस में यात्री सफर कर सकते हैं।